हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लेटेस्ट दो अपडेट डिस्कस करने वाले हैं और दोनों के दोनों अपडेट रेलवे की तरफ से आ चुके हैं। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुँच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आप देख भी पा रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते, डायरेक्टली बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो अलग अलग अपडेट आए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट अपडेट के बारे में, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। बात करें हम फर्स्ट अपडेट की जो कि रेलवे की तरफ से आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। सो इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, दोनों एलिजिबल है और दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 20th अक्टूबर 2021 तक आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई आपको किस तरीके से करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक आपको सेम रिक्रूटमेंट का मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके लास्ट में आपको मिल जाती है रिक्वायर्ड लिंक, जहाँ पे पहला लिंक नोटिफिकेशन PDF का देख पाएंगे एंड सेकेंड अप्लाई ऑनलाइन का। उस पर आप क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस ओपन होगा। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन का। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन मस्ट होती है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके अपने सारी डिटेल्स फिल करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपकी मेरिट लगेगी क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली, उसके बेसिस पे आपकी इनके लिए सिलेक्शन होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, 10th 12th ग्रेजुएट इवन 10th प्लस ITI वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और OBC कैंडिडेट है और आप मेल कैंडिडेट हैं, आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से है, चाहे रिजर्व्ड है चाहे अनरिजर्व्ड है, किसी को किसी टाइप की कोई फ़ी पे नहीं करनी है। इसी के साथ जो रिजर्व्ड कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है, उनके लिए भी कोई फ़ी नहीं है। सिर्फ जनरल OBC के मेल कैंडिडेट के लिए है, वो भी सिर्फ 100 रुपीज़। उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब आपके सामने ऑप्शन आएगी एप्लीकेशन फ़ी पे करने की, तब आपको पे कर लेनी है। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, सो 3093 वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। वैकेंसीज कौन कौन सी आउट की गई हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपकी टर्नर की वैकेंसीज है, वेल्डर की है, इलेक्ट्रिशियन की है, COPA के लिए वैकेंसीज है, कारपेंटर की हैं। उसके बाद अदर वैकेंसीज है जो इसमें आउट की गई हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक एक्टिवेट किया जा चुका है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये तो है फर्स्ट अपडेट, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया आपको सिर्फ सिलेक्शन है वो आपकी मेरिट बेसिस पे होने वाली, एग्ज़ाम नहीं होने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, ये भी रेलवे की तरफ से आया हुआ है। इसके लिए भी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक आपको सेम रिक्रूटमेंट का मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके लास्ट में आपको मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक, जिसमें पहला लिंक नोटिफिकेशन PDF का, सेकेंड मिलेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको करनी है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप रहेगा लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करके आपको अपना डिटेल्स अपनी फिल करनी है, जो कि आपका नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर,
क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, एज लिमिट क्या है एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको जस्ट सबमिट कर देना है। उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट लेकर ज़रूर रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो, इसके लिए भी लिंक एक्टिवेट किया जा चुका है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट बात करिए एप्लीकेशन फ़ी की, इसके लिए रिजर्व्ड कैंडिडेट के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। फीमेल कैंडिडेट जो है, चाहे वो रिजर्व्ड है चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से, या किसी को किसी टाइप की कोई फ़ी पे नहीं करनी है। इसके लिए भी सिर्फ जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए है, वो भी 100 रुपीज़। अप्लाई करते वक्त आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी फ़ी पे करने के लिए। नेक्स्ट बात करें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, सो इसमें भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, चाहे आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास, 12th पास, आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, इवन ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेशर या एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया है सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन सी वैकेंसीज आउट की गई है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ जरूर से शेयर करना चाहूंगी, खास तौर पे अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं। सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आते हैं कि हम फ्रेशर हैं और हम ज्वाइन करना चाहते हैं कंपनीज में, तो हम कैसे अपनी फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करें और ज्वाइन करें। तो आपकी जो फर्स्ट जॉब है वो आपके लिए बहुत कुछ होती है और फर्स्ट जॉब डिफाइन करती है कि आपका करियर कैसा होगा। ग्रेजुएशन स्कूल से निकलने के बाद आपकी फर्स्ट जॉब आपके लिए एक लॉन्च पैड का काम करती है आपके फ्यूचर करियर डिसीजंस और चॉइस के लिए। बट आप चाहती हो कि आपकी जो जॉब और रोल है वो रिक्रूटर्स डिसाइड करें जो आपको हायर कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इंडिया की बेस्ट कंपनीज में जो जॉब पाना जो कि आपके स्किल्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हो। अगर आप अपने करियर्स के मेकर्स खुद बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि री लेवल प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी का ही प्लेटफॉर्म है। कुछ डेज पहले भी मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, बहुत ही कैंडिडेट की इसके थ्रू जॉब भी लग चुकी है, तो काफी अच्छा लगता है। री लेवल के जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आपको अलग अलग कंपनीज में जॉब प्रोवाइड की जा रही है जो कि स्टार्टअप कंपनीज है। अगर मैं कंपनीज की बात करूँ, क्रेड है, ग्रो है, अपग्रेड है, मीशो है, येलो है, काफ़ी कंपनीज इसमें अब ऐड भी हो चुकी है और बहुत सारे इसमें बेनिफिट आपको मिलते हैं। खास तौर पे एक आपको फ्यूचर अच्छा होता है, आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। पैकेज की अगर मैं बात करूँ, पैकेज बहुत बढ़िया मिलता है आपको, 15 लाख से 50 लाख तक एज अ फ्रेशर आपको इसमें पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। तो इसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक इसका प्रोवाइड कर दिया, आपको सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करके यहाँ पे बिल्कुल फ्री में रजिस्टर कर लेना, कोई फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। इवन अगर अदर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी लोकेशन से अगर बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना एक स्लॉट बुक करना होता है, स्लॉट आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी डेट मेंशन कर सकते हैं, वो सिर्फ 1 डे का ही प्रोसीजर रहता है, जिसमें आपका एक टेस्ट होता है और इसमें आपके स्कोर को देखते हुए सामने से कंपनीज खुद आपके साथ कॉन्टैक्ट करती है, जो कंपनीज मैंने आपको बताई है, उसके बाद आपकी इसमें सिलेक्शन होती है। तो जल्दी से जाकर आप उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट, तो इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है फिटर की है, 200 वैकेंसीज है। नेक्स्ट पोस्ट है मशीनिस्ट की, जिसमें 56 वैकेंसीज आउट की गई है। टर्नर के लिए 20 वैकेंसीज है। नेक्स्ट वेल्डर के लिए 68 है। उसके बाद पेंटर के लिए वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि आपकी 12 वैकेंसीज आउट की गई हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के लिए 112 वैकेंसीज है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक के लिए 4 वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो ये सारी वैकेंसीज है जो आउट की गई है, जिसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम इसके लिए बात करें आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाली है, तो इसमें भी आपके जो क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लगेगी, इसमें भी कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सो, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, मेल है, फीमेल है और आप फ्री है, ज़रूर इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो जो पहले मैंने अपडेट आपको बताया है और ये वाला जो अपडेट है ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है अगर आप ओ बी
बीसी कैंडिडेट है 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का एंड अदर्स को एज पर नॉर्म्स इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं मैक्सिमम एज लिमिट की बात करूँ तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है सेकेंड वाला जो अपडेट है इसके लिए 24 है। जो पहले अपडेट मैंने आपको बताया 3093 वैकेंसीज उसमें आउट हुई है, उसके लिए एज पर नॉर्म्स आपकी एज लिमिट रहने वाली है। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं ज़रूर उसके लिए आप अप्लाई कर लेना, बाकी जो भी एज पर नॉर्म्स रहेगा वो आपको बता ही दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लिंक्स की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पहला जो लिंक दिया है, जो पहले रिक्रूटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं रेलवे की 3093 वैकेंसीज की, वो आपको पहला लिंक मिलेगा। सेकंड आपको लिंक मिलेगा ये वाला जो हम सेकंड वाला डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एलिजिबल है अप्लाई आपको ज़रूर से कर लेना है, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में 3rd नंबर पर, वहाँ आप जाएंगे। इसके अलावा जो रिसेंटली वैकेंसीज आई हुई हैं उसको आप चेक कर सकते हैं, अपनी लोकेशन अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर चेक करके अप्लाई कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।